लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सवेरे सवेरे थाने में पहुंच गए? कल रात से यहीं पर हूं नीलकंठ। कोई नया केस मिल गया क्या? साहिल सिन्हा साहब को समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी फाइल पढ़ रहा था। जब उसे गोली मारनी है तो उसकी फाइल में इतनी दिलचस्पी क्यों? उसकी फाइल पढ़ के ये पता लग गया है कि अगला हमला किस पर होने वाला है। ये हमेशा की तरह बंधे हुए आपके रुपए और ये मेरी तरफ से सोने की घड़ी आपके जन्मदिन की भेंट। वाह मोदी साहब, आपको हमारा जन्मदिन भी याद है, अच्छा तोहफा है। सोने की घड़ी, वाह, तोहफा बिल्कुल आपकी पसंद का है दादा। मैं भी तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ विलास राव, तुम्हारा खोया हुआ लॉकेट जो खून करते वक्त तुम्हारे गले से निकलकर मेरे पिता के हाथ में आ गया था। लॉकेट तो मेरा नहीं है, मगर आज इसे मैं अपना बना लूंगा। जान पर भी आ। को छोड़ दो, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। ये पुलिस का मामला है, वो जेल से भागा हुआ कैदी है। वो कैदी होगा आपके लिए मगर हमारे लिए नहीं। इस नौजवान ने वो काम किया है जो हम मजदूर आज तक नहीं कर पाए। एक जगहवास यूनियन लीडर को अच्छा सबक सिखाया है इसने, हम इसे हर किस नहीं ले जाने देंगे। विलास राव, विलास राव जी, आपकी आमद पर एक शेर इरशाद है, अर्ज किया है मुलायदा फरमाइए। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे ठुके हुए तीन। मंत्री जी क्या बात है विलास राव, क्या हुआ, क्या बात है? मेरे पास आओ, बहुत बड़ी गलती हो गई मंत्री जी, अपनी जान बचाने के लिए साहिल को मुझे आपका नाम बताना पड़ा। तेरी तो क्षमा कीजिए। तेराम मंत्री जी, आपके जाने पर एक शेर इरशाद है, अर्ज किया है, हम इंतजार करेंगे तेरा तेरी शामत तक, खुदा करे कि तू भी साहिल से घायल हो और यूं आए। ब्यूटीफुल। मजा आ गया। ये लो लंबू ना, पूरे 20 लाख। अब एक काम करो सेठ,
आराम से चादर ओढ़कर सो जाओ। अच्छा? और हाँ, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इसके बाद मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन साहिल सिन्हा की लाश जरूर भिजवा दूंगा। चलता हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कल तुम्हें हर हालत में मंत्री को शो पे लाना होगा, वरना ये शहर छोड़ना होगा मुझे। शहर छोड़ना होगा? हाँ शीतल, और कब तक भागूंगा पुलिस से मैं? उधम सिंह साहिल के पीछे मौत की तरह पड़ा है। अगर कल रात तक असली कातिल पकड़ा नहीं गया तो हम दोनों इस शहर को छोड़कर किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई हमें पहचानता नहीं। पर मेरा दिल कहता है कि मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ। तुम हमेशा अपनी मंजिल के करीब थे साहिल, मैं ही तुम्हारी मंजिल हूँ। अच्छा साहिल, कल मिलेंगे, मंत्री जी को शो में ले आऊंगी मैं। शीतल, कब तक मेरी मदद करती रहोगी तुम? क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा तुम्हारी मदद करने का? फिक्र मत करो, मौका आएगा तो तुम्ही को पुकारूंगी। ओके बाय। कल मंत्री का आना बहुत जरूरी है शीतल, मुझ पर भरोसा रखो। टेक केयर। बाय बाय ईशा। बाय। क्या बात है साहिल, शीतल तुम पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान हो रही है, आखिर चक्कर क्या है? कोई चक्कर वक्कर नहीं, सीधी सी बात है। ये जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी है नहीं, अंदर की गांठ की है। ऐसी लड़कियों पर एतबार नहीं करते। तुम्हें मुझ पर एतबार है या नहीं? तुम पर है पर उस पर नहीं। प्यार में ठुकराई हुई औरत का वार बहुत खतरनाक होता है। अच्छा? और अगर मैंने तुमसे पीछे छुड़ा लिया तो? क्या, तुम मुझसे पीछा छुड़ाओगे? नहीं, मेरा मतलब अगर छुड़ा लिया तो क्या करोगी? हा? काट खाऊंगी। कैसे? फिर आप हमारे चीफ गेस्ट बनने के लिए तैयार है? कन्याओं की नृत्य कला देखने के लिए हम बाकी के सारे प्रोग्राम रद्द कर देंगे। किंतु एक समस्या है। समस्या? कैसी? वो क्या है कि आजकल कोई हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं ना, अपने साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर जाते हैं। अगर ऐसे गंभीर समस्या है तो हम मंत्री जी को दुविधा में नहीं डालेंगे। हम अपने चीफ गेस्ट के लिए किसी और का प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी उदास क्यों होती हो शीतल चौधरी, हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। चलो तुम्हारे लिए हम ऐसा करते हैं कि अपने गार्ड्स को हम हॉल के बाहर रख देंगे। फैंटास्टिक, वंडरफुल, ही सो स्वीट। लेकिन आप समय से तो पहुंच जाएंगे ना? समझो पहुंच गए, बड़ी पहुंची हुई चीज है ये। अरे जी क्या, कहाँ ले जा रहे मुझे? अरे अरे छोड़ दो मुझे, अरे मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। अरे ये क्या कर रहे हो पिटवा? अरे अरे ये क्या कर रहे? अरे छोड़ो मैं कहता हूँ। अरे 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 आज ये पिस्तौल भरी हुई है, इसलिए कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। अब तक किस्मत तुम्हारे साथ थी, पर अब तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है। मिस ईशा, आप बाहर आ जाइए। ब्यूटीफुल। हमें जाने दो इंस्पेक्टर, वरना मंत्री जी को मार डालूंगी। मार डालो। अरे क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरा एक ही लक्ष्य है, साहिल सिन्हा। चलो बाहर निकलो। अगर गोली चलानी है तो चला दीजिए, पर मैं रुकूंगा नहीं। जाओ। अरे इंस्पेक्टर, अरे इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा। हाँ, अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे कोई है, बचाओ, बचाओ। ये आपने क्या किया सर? एक सच्चा आदमी ही अपने सर पर गोली खाने के लिए तैयार हो सकता है नीलकंठ। इस लड़के की दिलेरी देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। इंसानियत जाग उठी इस पत्थर दिल में। ये आपका नया रूप देख रहा हूं सर मैं। हमने गलत समझा था नीलकंठ, ये लड़का खूनी नहीं हो सकता। अरे जी क्या, अरे जी क्या कर रहे हो पिटवा? ये आग का खेल बंद करो। अरे मैं कितनी बार तुम्हें कह चुका हूँ कि राम कसम मैंने गवर्नर साहब का खून नहीं किया है। मुझे और गुस्सा मत दिला, वरना तेरे पैर पे कर दूंगा।
तुम धोखा हुआ है बिटवा, मैंने ये खून नहीं किया है। झूठ बोलते हो तुम, विलास राव ने खुद तुम्हारा नाम लिया है। मैं गंगा की, जमुना की, सरस्वती की कसम खाता हूँ कि ये कांड मैंने नहीं किया है। तू ऐसे नहीं पकेगा। बैंक और इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट साहब ने कहा था इसलिए घर में रखे थे, डॉक्यूमेंट ले लेते हैं बाद में चलते हैं। आइए आइए, बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं मिस्टर दीवान। नमस्ते मिसेस सिन्हा। नमस्ते। हम लोग बस चाय पीने ही वाले थे, चलिए आप भी चाय पीजिए। पांडू। यस सर। चाय जी। मिसेस सिन्हा, आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा? आपकी बेटी की खबर लाया हूँ। वो मिल गई क्या? आप बैठिए ना। हाँ, वो मिली। पहले मैं समझता था कि साहिल आपकी बेटी को भगा कर ले गया है। हाँ। पर हकीकत यह है कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है। ये कैसे हो सकता है? It is impossible. ऐसा ही हुआ है, और आपने सब कुछ जानते हुए भी ये बात मुझसे छिपा कर रखी। आप कहना क्या चाहते हैं? कड़क है चाय सर। पर्दे में आप क्या जर्दा पका रहे थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, आपने मुझसे झूठ बोला। और झूठ आदमी दो सूरतों में बोलता है, जब उसे कोई खतरा हो या कोई बात गुप्त रखना चाहता हो। शक्कर कितनी लेंगे आप? शक्कर दो। मिसेस सिन्हा, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका बेटा कुनी नहीं है। क्या माँ, मैं तुम्हें हमेशा कहता था ना भैया ऐसा नहीं कर सकते। वो हालात का शिकार है, निर्दोष है। क्या मेरा साहिल सचमुच निर्दोष है? फिर असली कातिल कौन है? तलाश जारी है मिस्टर दीवान, मिल जाएगा। नीलकंठ, यही है वो कश्मीरी खंजर जिससे दोनों खून हुए हैं। ये खंजर किसी सेट का हिस्सा है। ऐसे खंजर अक्सर 6-7 के सेट में मिलते हैं। अब पता ये करना है कि ये किस सेट का हिस्सा है। मिस्टर दीवान, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए जरा गौर से देखिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। अब क्या बताऊं, आदत से मजबूर हूं, सारी बुरी आदतें हैं मुझ में। क्यों पांडू, अब देखिए ना, बिना आपकी इजाजत लिए आपके घर में घुस आया, चाय बनाई, ताक झांक की। बड़ा अच्छा घर बनाया आपने। लेकिन इस तस्वीर ने मुझे चक्कर में डाल दिया है। घर के अंदर ये डूबती हुई कश्ती की तस्वीर का क्या अर्थ हो सकता है? क्या आप निराशावादी हैं? जी नहीं। यार नीलकंठ, एक पैकेट सिगरेट ला दो यार। यस सर। तस्वीर को आपने नजदीक से देखा नहीं इसलिए गलत अर्थ निकाल रहे हैं। मैं आशावादी इंसान हूं। गौर से देखिए, यह कश्ती तूफानी समंदर में आगे बढ़ रही है, तूफान से लड़ रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपकी कश्ती डूब रही है मिस्टर दीवान, या यूं कहूं कि डूब चुकी है। वो दोनों कश्मीरी खंजर इसी सेट का हिस्सा हैं। मिसेस सिन्हा, आपके पति का कातिल आपके सामने है। क्या ईश्वर, तुमने खून किया? मैंने खून किया। पर क्यों? मजबूर था मैं। गवर्नर साहब ने इनकी बेटी को बहू बनाने से इनकार कर दिया। बरसों की वफादारी काम नहीं आई, नौकर को समधी का दर्जा नहीं मिला, तो अपने मालिक का खून कर दिया इन्होंने। मैं मेरी बेटी के प्यार में अंधा हो गया। तो फिर डॉक्टर गांधी का खून क्यों किया तुमने? डॉक्टर गांधी साहिल को कोई खास बात बताने वाले थे। साहिल उनके घर पहुंचे उसके पहले मैं उनके वहां पहुंच गया और मैंने उनका भी खून कर दिया। ईश्वर, हमने तुम्हें क्या समझा? और तुम कैसे निकले ईश्वर? छोड़ो ईश्वर। नहीं, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं आशावादी इंसान हूं, दो खून कर चुका हूं, तीसरा भी कर सकता हूं। मुझे गोली चलाने पर मत उकसाओ, बच्चे को छोड़ दो। रिवॉल्वर फेंक दो, रिवॉल्वर फेंक दो। माँ, माँ,
हेलो सर।